पानी बनी मासूम बच्चे की मौत का कारण। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षिका की 4 वर्षीय बच्ची बाहर खेलते हुए असुरक्षित पानी की टंकी में गिर गई। घटना की जानकारी जब तक लोगों को लगती, बच्ची की मौत हो गई थी। डीएलएड कर रही एक युवती ने किसी तरह बच्ची के शव को बाहर निकाला। दरअसल अंबिकापुर के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों 11 से 13 मार्च तक 3 दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। इस दौरान अपनी मां के साथ आई बच्ची खेलते खेलते पानी की टंकी में जा गिरी। डीएलएड कर रहे युवकों ने किसी तरह से बच्ची के शव को बाहर निकाला। दरअसल अंबिकापुर के जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों 11 से 13 मार्च तक 3 दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। अलग अलग बैच में शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए जिले के अलग अलग ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक शिक्षिकाओं को आदेशित किया गया है कि इस प्रशिक्षण में लखनपुर ब्लॉक के प्राथमिक पाठशाला भंडारपारा की शिक्षिका कलावती अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ पहुंची थी। शिक्षिका कलावती प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। उस दौरान 4 वर्षीय बच्ची खेलते खेलते खुले हुए पानी की टंकी में जा गिरी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से शिक्षिका सहित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान प्रबंधक में आपाधापी मच गई। बीटीआई में ही डीएलएड के प्रथम वर्ष का चेतन नामक छात्र को टंकी में उतारा गया। जब वो नीचे उतरा तो बालिका अचेत हो चुकी थी। तत्काल उसे नजदीकी निजी अस्पताल में ले गए। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद वहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रबंधन से जानकारी भी ली गई। बच्ची का शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। सर बच्ची घूम गई थी और वही खोजते खोजते सर यहाँ मिली, तो वही सर मेरे को वहाँ कूदने के लिए बोले थे, तो बच्ची को निकालने के लिए बस गया था। कैसे पता चला बच्ची के लिए? सर उतना जानकारी नहीं सर मेरे को, बस वो सर लोग देखे थे। कौन सर? सर पता नहीं सर, वो ट्रेनिंग वाले सर लोग थे, तो बस मैं आया था, बस बच्ची निकाला सर। क्या हो रहा था यहाँ पर पूरा? सर यहाँ वो ट्रेनिंग चल रहा है सर टीचरों का। आप क्या करते हैं? सर मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ सर, डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो जब बच्ची को निकाले तो क्या गुजर चुकी थी क्या आपको पता चला? सर उतना पता नहीं चला सर, हाँ थोड़ी सी ऊपर थी मतलब। अच्छा, तो पैर मारा तो ऊपर आई हल्का था, तो फिर उठा। क्या चीज का टैंक है? सर पता नहीं सर, पता नहीं। सेप्टिक टैंक। हाँ रोल सर, डाइट में एक हादसा हुआ है, किस तरह का मामला है, क्या जाँच? जी यहाँ सुबह लगभग 12 बजे की घटना है। इसमें डाइट में जो प्रशिक्षण में आए हुए कुछ टीचर थे, जिनमें से एक कलावती नाम की एक मैडम भी प्रशिक्षण के लिए आई हुई थी। साथ में अपनी 4 साल की बिटिया को भी लेके आई हुई थी, जो कि खेलने के दौरान यहाँ बनाए गए एक 100 फीट में पानी में डूब गई है और उनकी मृत्यु हो गई है, जिसका अभी PM कराया जा रहा है। तो अभी जाँच की है, तो किस तरह का वो स्टैंड है, क्या सुरक्षित है, असुरक्षित है, किस तरह का मामला? जी अभी तो मर कायमी करके अभी जांच में लिया गया है, और ये किस प्रकार से बना है और इसमें क्यों ये खुला था, इसके संबंध में जांच के उपरांत ही कुछ कहते बनेगा। बस बच्ची अब कोलैप्स हुई, क्या पता किया उसको चोट लगी क्या हो, तो पुलिस में जाने के हॉस्पिटल में जाने से पता चलेगा ना। वो सेप्टिक का ढक्कन खुला हुआ था बोल रहे हैं? नहीं खुला नहीं, तो बंद बंद था। बंद फिर कैसे कर दिया? अरे गाड़ी को नहीं एक जाएगा ना। अब भाई बंद था ना, वो क्यों बंद बंद था बता रही हूँ। बच्ची वहाँ पे कैसे पहुँची मुझे नहीं पता, मैं प्रिंसिपल रूम में हूँ तो कैसे पता। अच्छा मैम ये बताइए कि जो प्रशिक्षण में आते हैं उनको बच्चों को लाना मना है? अच्छा, ये कहाँ से आई थी बच्ची? ये तो लखनपुर से आई थी। और कैसे आई है वो?